कुछ स्पेकुलेशन भी है, कुछ हमारा जो रुपया था उसको आर्टिफिशली पेक किया गया था और मार्केट मैकेनिज्म में अपना एक इक्विलिब्रियम तलाश करना होता है, उससे भी इम्पैक्ट आया है। और कुछ हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा कैसे किया जा सकता है। बहुत से हमारे वो सनअतकार जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, उनका ख्याल ये था कि आज हमारी जो बरामदात है वो कंपेटिटिव नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमने अपने रुपए को उस लेवल पे पेग किया हुआ है जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, और उसमें एक करेक्शन लाई जाए ताकि बरामदात में इजाफा हो। जब बरामदात में इजाफा होगा तो आपके फॉरेक्स रिजर्व जो हैं उनमें इजाफा होगा, जब फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा होगा तो डॉलर पे प्रेशर कम होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल फैसले हैं, जैसे इमरान खान साहब ने परसों अपनी तकरीब में भी कहा कि हमें मसाइल का एक अंबार मिला है और हमें बड़े हौसले से उनका हल तलाश करना है। हम कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को हमें फेस करना होगा, कुछ कौम को भी फेस करना होगा, और हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि कफायतशाली से, ऑस्टेरिटी से अखराजात कम करें, और बोझ हमारी कोशिश है कि उस तबके पे ना डाला जाए जो बोझ नहीं उठा सकता, उस तबके पे डाला जाए जो उठा सकता। नवाज शरीफ ने कहा है कि नीमा खान के अरबों रुपए की जायदाद कैसे बन गई है, जवाब देना इस हवाले से क्या तहरीक इंसाफ ने सर इसी को तहरीक इंसाफ ने और पकड़ना था अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की है। हम अदालतें आजाद हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हमारे किसी शख्सियत को बुलाया जाता है या किसी पाकिस्तानी को बुलाया जाता है उसका फर्ज बनता है कि वो अपना जवाब दे। हम कानून के दायरे में रहते हुए कानून का एहतराम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ना किसी को बेजा रियायत दी गई है न दी जाएगी। कानून की हुक्मरानी का एहतराम कल भी करते थे और आज भी करते हैं। अच्छा, व्हाइट पेपर को कैसा देखा, मुरली का व्हाइट पेपर, मुरली के अपना व्हाइट पेपर पेश किया है, उसे कैसा देखा? दो दिनों में कोई अरब डॉलर जो है वो बैंक में आए हैं, इस हवाले से बताइएगा। पहले दावे किए जाते थे अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, लेकिन ये जो है वो आपने आपने परसों 29 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बताया, इनकशाफात का जिक्र किया कि कितना पैसा बाहर है और उस रिकवरी के लिए जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं, जो उन्होंने एक रिकवरी यूनिट एस्टैब्लिश किया है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो उन्होंने कल हुक्म सादर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए कानून सादर की जाए, ये सब वो इकदाम हैं जो इसकी तरफ निशानदेही करते हैं कि हम चाहते हैं कि करप्शन में कमी हो, इसकी बेहतरी की जाए और मुल्क की दौलत जिस सबकी नीति है उससे हिसाब लिया जाए और उसको लौटाने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। थैंक यू। हुकूमत पर काफी शुक्रिया।